हे भाई साहब, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मेरे पास Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का एक नया स्मार्टफोन आ गया है Realme की तरफ से, Realme Narzo 60X 5G। भाई लोग, यहाँ पर प्रोडक्ट तो बढ़िया है लेकिन पैकेजिंग का क्वालिटी जो है वो मेरे को कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि Amazon ने एक पतला सा पेपर के अंदर स्मार्टफोन को भेजा है। सो पैकिंग क्वालिटी यहाँ पर बढ़िया तो नहीं, लेकिन फुल्ली रिसाइकल मटेरियल यूज किया है जो एक अच्छा चीज है एनवायरमेंट के लिए। सो गाइस, अभी पैकिंग क्वालिटी को छोड़ो, मेरे हाथ में देख सकते हो Realme Narzo 60X 5G स्मार्टफोन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट गेमिंग रिव्यू देखने वाले। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो Amazon ग्रेट इंडियन सेल पर इस स्मार्टफोन का 6128GB वेरिएंट 13,500 का पड़ रहा था, लेकिन मेरे पास एक कूपन कार्ड था 1000 का। So, कूपन कार्ड अप्लाई करने के बाद ये स्मार्टफोन मेरे को सिर्फ 12,500 के अंदर मिल गया है। तो चलो आज हम इस स्मार्टफोन को 12,500 प्राइस रेंज के हिसाब से चार्ज करने वाले हैं। और अगर वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखोगे तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि 12,500 प्राइस रेंज पर इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए परचेस करना चाहिए या गैलेक्सी F14 और Redmi 12 5G के अंदर कोई स्मार्टफोन लेना चाहिए। इसलिए भाई लोग, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो अभी इस स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। Realme Narzo 60X 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 550 nits का ब्राइटनेस, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 6100 प्लस EX6 नैनोमीटर का चिपसेट है। बैटरी 5000mAh प्लस 33W इनबॉक्स चार्जर। रियर कैमरा 50MP प्लस 2MP, सेल्फी कैमरा 8MP का। मेरे पास 6128GB वाला वेरिएंट है, ऑफर प्राइस था 13,500, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर मेरे को 1000 का कैशबैक मिला है। और अगर आप लोग अभी परचेस करोगे तो आप लोगों को 500 का कैशबैक मिल जाएगा। तो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर Realme Narzo क्लब जॉइन सिम कार्ड है, एक सिम इजेक्टर पिन, कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर मतलब Realme की तरफ से लव लेटर और एक सॉफ्ट सिलिकॉन का ब्लैक कलर TPU केस मिल जाएगा। तो ये TPU केस बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा डिवाइस Realme Narzo 60X। भाई सब लुकिंग देख सकते हो, एकदम जबरदस्त लुकिंग बनाया है Realme ने। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक Type-A to Type-C चार्जिंग केबल, उसके साथ ही एक 33W का फास्ट चार्जर भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो सब कुछ साइड में रख के फोन को जल्दी से जल्दी सेटअप करके सीधा हैंडकैम फ्री फायर गेम प्ले की तरफ चलते हैं। गाइस देख सकते हो Narzo 60X स्मार्टफोन के ऊपर फ्री फायर गेम ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले फोन का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करते हो, सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हो जनरल 100, रेड डॉट मेरा 85 है। और ग्राफिक्स देख सकते हो फुल मैक्स है, उसके साथ हाई एफपीएस शैडो कलर फिल्टर सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ क्लैश स्क्वाड और डुओ वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बोलता हूं। तो गाइस आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड मैच का कुछ गेम प्ले देख लिया। अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर दो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले।
राइट गाइस, आप लोगों ने तो क्लैश स्क्वाड और डुओ वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देख ही लिया। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे जानकारी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड रैंक मैच की बात करें तो भाई सब क्लैश स्क्वाड रैंक मैच के अंदर मेरे को तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। मतलब क्लैश स्क्वाड मैच के अंदर ना कोई लैगिंग, ना कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप्स, ना हीटिंग, कोई भी इशू नहीं। तो गाइस आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक मैच को मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर फुल्ली एंजॉय कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। क्लैश स्क्वाड रैंक मैच के बाद अभी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर डुओ वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच की बात करें तो भाई लोग अब देख ही सकते हो हैंडकैम के अंदर गेम प्ले कैसा है डुओ वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का। भाई लोग अंडर 13,000 का कोई स्मार्टफोन मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर फुल मैप रैंक मैच के अंदर इतना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा। गाइस मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर फुल मैप रैंक मैच के अंदर कभी कभी हल्का लैग होता है, ज्यादा कुछ लैगिंग के रिलेटेड इशू नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेम ड्रॉप्स कभी कभी आप लोगों को नोटिस भी हो जाएगा। हो सकता है ये स्मार्टफोन अभी नया है इसलिए इतना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, बट मेरे हिसाब से आफ्टर 6 मंथ इस स्मार्टफोन के अंदर मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा लैगिंग इशू देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म अगर यूज करना चाहते हो इस स्मार्टफोन को तो फुल मैप रैंक मैच को आप लोग अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेलना, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए फोन को स्मूथली यूज कर पाओगे। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद अभी स्मार्टफोन का बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh का एक मैसिव बैटरी है, उसके साथ बॉक्स के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर और इस स्मार्टफोन के अंदर 6 नैनोमीटर प्रोसेसर होने की वजह से यह स्मार्टफोन उतना ज्यादा बैटरी कंज्यूम तो नहीं करता है और बॉक्स के अंदर 33 वाट चार्जर होने की वजह से भाई 1 hour 10 minutes के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। तो फास्ट चार्जिंग के बारे में आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। अंडर 13,000 चार्जिंग और बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है स्मार्टफोन का। नेक्स्ट इस स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर 50 MP का मेन सेंसर है जो ठीक ठाक पिक्चर कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है सिर्फ 8 MP का। तो यहाँ पर मेगापिक्सल थोड़ा सा ज्यादा देना तो चाहिए था 13,000 के हिसाब से, लेकिन फ्रंट कैमरा 8 MP होने के बाद भी प्रोसेसिंग ठीक ठाक होता है सो डिसेंट पिक्चर कैप्चर कर लेता है। इसलिए गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर और सिंगल स्पीकर का सपोर्ट। तो यहाँ पर गेमिंग के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर तो देना ही चाहिए था क्योंकि मोटो जैसे ब्रांड अभी अंडर 10,000 पर सभी स्मार्टफोन के ऊपर डुअल स्टीरियो स्पीकर दे रहा है। तो गाइस ये था रियलमी नार्ज़ो 60X 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल फीचर्स और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि इस स्मार्टफोन को अंडर 13,000 के हिसाब से गेमिंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो भाई लोग देखो 13,000 के हिसाब से फोन का ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को तो काफी बढ़िया लगा है। तो आप लोग गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को 13,000 पर ऑब्वियसली कंसीडर कर सकते, लेकिन गेमिंग के साथ अगर आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी F14 बेटर ऑप्शन हो सकता है। और हाँ गाइस अगर सैमसंग गैलेक्सी F14 और रियलमी नार्ज़ो 60X 5G दोनों के अंदर फुल गेमिंग कंपटीशन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूंगा। गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।